51. A company issued debentures of the face value 1 lakh rupees at a discount of 6% on 1st January 2009. These debentures are redeemable by annual drawings. अब ये थोड़ा है भयंकर क्वेश्चन जो फाउंडेशन में आपने शायद छोड़ दिया होगा, आपके फाउंडेशन लेवल का ही है बट काफी लोगों को नहीं समझता है बिकॉज इसमें थोड़ा सा मैथ्स है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, माइट भी मैंने फुल प्रॉब्लम्स में भी आपको समझाया होगा। चलिए, तो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्राइंग्स, मतलब आप इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके आप रिडीम करने वाले हो, ऑफ 20,000 हर साल 20,000 आप एनुअल ड्राइंग से उसको आप रिडीम कर रहे हो। अब 1 लाख रिडीम करने के लिए कितना समय लगेगा, अगर हर साल आप 20,000 रिडीम कर रहे हो तो 5 साल, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 दैट मीन्स 5 ईयर्स में आप पूरा रिडीम कर लोगे। मेड ऑन 31st December एवरी ईयर, ठीक है, 1st January को इशू किया और 31st December से आप रिडम्पशन चालू कर रहे हो बाय एनुअल ड्रॉइंग ऑफ 20,000। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एवरी ईयर, ये ध्यान देना है, ठीक है। हर साल इक्वल नहीं रहता हो, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के हिसाब से यानी प्रपोर्शनेट आपको प्रो राटा के बेसिस पे आपको ये डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। नॉर्मल अजम्पशन क्या होता है, नॉर्मली आप लमसम रिडीम करते हो, अगर मेरे 5 साल के डिबेंचर है मैं डायरेक्ट 5 ईयर्स के बाद उसको रिडीम करता हूं और इसीलिए मुझे जो बेनिफिट मिलता है वो हर साल इक्वल होता है और इसलिए मैं डिस्काउंट भी हर साल इक्वल राइट ऑफ करता हूं, ठीक है। बेनिफिट इक्वल है तो लॉस भी इक्वली राइट ऑफ होता है। यहां पे प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे मैं रिडीम करते जा रहा हूं तो मेरा जो बेनिफिट का अमाउंट है वो भी कम होते जा रहा है। स्टार्टिंग में मेरा ज्यादा बेनिफिट है, फिर धीरे धीरे वो बेनिफिट कम होते जा रहा है, तो उसी प्रपोर्शन में मुझे ये डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। मतलब अगर मैं एक ग्राफिकल बताऊं कि इसमें क्या होता है, तो इसमें इस तरह से होता है, पहला साल, सॉरी ठीक है, ऐसा बेनिफिट है, फर्स्ट ईयर में पूरा, सेकेंड ईयर में कम, फिर थर्ड ईयर में कम, फोर्थ में कम और फिफ्थ में पूरा खत्म। ये होता है प्रोडाटा, जो मैं बार बार प्रोडाटा बोलूंगा। तो आपको इसी रेशो में डिस्काउंट को इसी प्रपोर्शन में बांट के हर साल राइट ऑफ करना है क्योंकि आपका डिबेंचर का अमाउंट कम होते जा रहा है, डिबेंचर का अमाउंट कम होते जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द फिफ्थ ईयर विल बी, फिफ्थ ईयर में कितना राइट ऑफ होगा ये आपको बताना है। अब ये एक्चुअली डिबेंचर डेप्रिसिएशन की एक मेथड से मिलता जुलता है जो आपने शायद पढ़ा होगा फाउंडेशन में, उसका नाम है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। इससे थोड़ा आपको आसान जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो इस मेथड से। इस मेथड का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा अपने डिबेंचर के एंगल से बता रहा हूँ। है ये डेप्रिसिएशन की मेथड लेकिन अपन अप्लाई कर रहे हैं डिबेंचर पे क्योंकि लॉजिक सेम है। तो लॉस जो भी है पूरा लॉस इनटू रिमेनिंग लाइफ, जो भी रिमेनिंग लाइफ है जिसमें आपको राइट ऑफ करना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे अगर मैं 5 साल का एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा डिबेंचर 5 ईयर्स का है और मैं पहले साल का ही राइट ऑफ कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में जब मैं राइट ऑफ करने की सोच रहा हूँ तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, पहला साल खत्म हुआ है, अरे पर मैंने राइट ऑफ तो कुछ भी नहीं किया, राइट ऑफ कब करते हैं, ईयर एंड में। तो मतलब राइट ऑफ के एंगल से तो पूरे 5 साल ही बाकी हैं क्योंकि एक भी साल का राइट ऑफ आपने किया ही नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में रिमेनिंग लाइफ पूरी आएगी 5 ईयर्स, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं वो अप्लाई करता हूँ। पहले आपको टोटल लॉस निकालना है, टोटल लॉस जैसे अपन नॉर्मली निकालते हैं, देखो डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो ये एक लॉस है और रिडम्पशन पार पे ही है, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना आएगा बोलो, 1 लाख पे 6% दैट इज 6,000, ठीक है, 6,000 का टोटल लॉस है तो यहां मैं 6,000 ले लेता हूं। तो फर्स्ट ईयर में रिमेनिंग लाइफ होती है 5 साल, पूरी की पूरी लाइफ बाकी है, एक भी राइट ऑफ नहीं किया है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लाइफ, लाइफ क्या है 5 में कितने डिजिट्स हैं, 5 1 2 3 4 5, तो ये सारे डिजिट्स को आप ऐड करो, सारे डिजिट्स को ऐड करो, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसको ऐड करो और इसका एक फॉर्मूला है शॉर्टकट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका शॉर्टकट है। ये जो डिनोमिनेटर में मैंने ऐड किया है ना, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहाँ पे एन क्या है लाइफ, तो लाइफ यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में क्या है 5 5 × 5 + 1 / 2, बोलो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, आपको बचपन पता ही होगा मैथ्स, तो
तो 5 + 1 क्या होगा, 6, 6 × 5 दैट कम्स टू 30, और 30 / 2 दैट कम्स टू 15, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 15। अब आप मैन्युअली ऐड भी कर सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो भी 15 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आएगा 6000 मल्टीप्लाइड बाय 5 / 15, बोलो कितना आएगा। ये आएगा मेरे ख्याल से 1/3 है तो 2000 आएगा, ठीक है। 2000 फर्स्ट ईयर में आप राइट ऑफ करोगे। अब फिर नेक्स्ट ईयर में क्या चेंज आएगा, नेक्स्ट ईयर में अब 6000 तो 6000 ही रहेगा, वो तो टोटल डिस्काउंट है, सम ऑफ डिजिट्स भी 15 ही रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं, सिर्फ आपका जो बदलेगा डिजिट वो ये है। हर साल ये जो है नंबर ये कम होते जाएगा, फर्स्ट ईयर में पूरा 5 ईयर्स बाकी है तो 5 आता है। अब आप सेकेंड ईयर में आ गए तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, आपने एक ही साल राइट ऑफ किया है, अभी तो आप सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो राइट ऑफ के एंगल से एक ही साल खत्म हुआ है, 5 साल टोटल लाइफ है, 5 - 1 यानी 4 लेना है। फिर थर्ड ईयर में आओगे तो एक और माइनस करना है, 3 ईयर्स लेना है, तो ऐसे एक एक कम होते जाएगा, आ रहा है ख्याल में, रिमेनिंग लाइफ बस आपको उस पर आपको ध्यान देना है, बरोबर। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। अब अपन को क्या पूछा है कि लास्ट जो ईयर है फिफ्थ ईयर उसमें क्या होगा, तो आप बताओ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बोलो क्या होगा। फर्स्ट में क्या होगा, 6000 × 5/15, फिर इसमें होगा 6000 × 4/15, फिर 6000 × 3/15, 6000 × 2/15, और लास्ट ईयर जो अपन को पूछा है उसमें आएगा 1/15। जब अपन लास्ट ईयर में है, 4 साल अपन राइट ऑफ कर चुके हैं, 5 लाइफ है, 5 - 4 = 1, रिमेनिंग लाइफ आएगी 1। तो मैं ये आखिरी वाला आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 6000 × 1/15, तो वो आएगा 400, बराबर। तो इस तरह से आप हर साल का निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आंसर आएगा 400। तो मैं यहाँ वर्किंग लिख के देता हूँ, ये पहला वर्किंग हुआ, टोटल लॉस निकाला, फिर आपका आएगा फिफ्थ ईयर का लॉस, ठीक है। तो टोटल लॉस दैट इज 6000 × 2, बोलो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, मैं फिफ्थ ईयर में हूँ, 4 साल राइट ऑफ हो गए, 5 साल ही लाइफ है, 5 - 4 = 1, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, n × n + 1 / 2, तो आता है 15, तो ये डायरेक्टली आएगा 400, सिंपल, ठीक है। लिखो, ये लिख लो, पहले ये लिखो, फर्स्ट स्क्रीन सब लिखो, इसमें कोई चीटिंग मत करना, कोई शॉर्टकट मत लेना, हर चीज मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, तो बहुत ही उम्मीद से बता रहा हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे। तो पहला स्क्रीन है, आप लिखो पॉज करके, फिर है सेकंड स्क्रीन, अब आप ये निकालो सब, ये जैसे 2000 आया था, फिर यहाँ आप निकालो कितना आएगा, 6000 × 4/15, तो ये आएगा 1600, ठीक है। तो 4400 से वो कम होते जाएगा, 4400 से कम होगा, बराबर, मैथ्स आता होगा तो जम जाएगा, ठीक है, 4400 का गैप आएगा, ठीक है। ये सेकंड स्क्रीन है, आप लिखो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं, और ये आपको थर्ड स्क्रीन ये लिखना है, शॉर्टकट भी लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पे आ जाओ, 52 ए लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑफ 10 ईच एट पार, ठीक है, एट पार है तो इशू पे कोई लॉस नहीं है, विच आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सेम टाइप का है, ईच ईयर यानी वही एनुअल ड्रॉइंग्स, इन द इक्वल लॉट इन 5 ईयर्स, इक्वल लॉट यानी वही डिवाइडेड बाय 5 करना है, बोलो 10,000 आपके डिबेंचर है, 10,000 × 10 यानी कि 1 लाख, सेम 1 लाख को आप डिवाइड बाय 5 करोगे, यानी 20,000 फेस वैल्यू का हर साल का रिडम्पशन है, सेम टाइप है क्वेश्चन का, लेकिन अब प्रीमियम कितना है रिडम्पशन पे, 30%, तो आपका लॉस 30% है, ठीक है। और पूछा है द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ इन फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर विल बी, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का पूछा है, बोलो। तो सेम दो स्टेप्स आएगा, पहले टोटल लॉस,
बोलो टोटल लॉस क्या आएगा, आपका फेस वैल्यू है 1 लाख, 10,000 इंटू 10 इंटू 30% प्रीमियम, तो ये आएगा 30,000। टोटल लॉस कितना है 30,000। अब आप निकालो सेकेंड, बोलो फोर्थ ईयर में क्या होगा, 30,000 इंटू, बोलो फोर्थ ईयर में मैं हूं मतलब कितने साल का मैं लॉस राइट ऑफ कर चुका हूंगा, 3। जैसे मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है, गलती होगी कि नहीं। मैं फोर्थ ईयर में हूँ, मैंने अभी तक कितने राइट ऑफ किए होंगे, 3 ही किए होंगे। अरे फोर्थ का तो निकालना है ना, तो फोर्थ का थोड़ी राइट ऑफ किया है, कितने साल हो गए, 3 साल, तो 3 साल का राइट ऑफ हुआ होगा। तो अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, टोटल कितनी थी, 5, 5 में से 3 राइट ऑफ हो गए तो रिमेनिंग हो गई 2, तो यहाँ न्यूमरेटर आएगा 2। और सम ऑफ डिजिट्स आप 15 का सम ऑफ डिजिट, आप 5 ईयर्स का सम ऑफ डिजिट आप निकाल चुके हो, दैट कम्स टू 15 जो पिछले क्वेश्चन में निकाला, तो यहाँ आएगा 15। बोलो कितना आएगा, 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आएगा 4,000। सिमिलरली फिफ्थ ईयर का निकालो, बोलो थर्ड फिफ्थ ईयर, तो बस क्या बदलेगा, 30,000 सेम रहेगा। अब जब मैं फिफ्थ ईयर में हूँ, मैं लास्ट ईयर में हूँ, आखिरी साल है, तो रिमेनिंग लाइफ 1 ही साल आएगी, 4 साल में राइट ऑफ कर चुका हूँ। बोलो कितना आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1 यानी वही 2,000 आ रहा है ख्याल में, तो आंसर क्या आएगा, 4,000 एंड 2,000, 4,000 एंड 2,000, ठीक है। तो सेम है, सेम टाइप है, लिखो।